आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी और मुलायम सूजी ढोकला की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। मेरे तरीके से आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बना के तैयार करेंगे। साथ ही हमने बनाया है मूंगफली की बहुत ही टेस्टी झटपट वाली चटनी, जिसका कॉम्बिनेशन ढोकला के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे इडली, डोसा, मेदू वड़ा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी बन के तैयार होती है। तो एक ढोकला हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं और इसके टेक्सचर से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट स्पंजी हमारा ढोकला बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसे मेरे तरीके से बनाइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो सूजी का ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम के लगभग सूजी ली है। आप किसी भी तरह की सूजी ले सकते हैं। और उसी कप से हमने एक कप दही भी ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे सूजी के साथ। अदरक और हरी मिर्च को हमने यहाँ पर दरदरा कूट के ले लिया है। आप चाहे तो इनका पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दही हमने यहाँ पर नॉर्मल वाली ली है, ना बहुत ज़्यादा खट्टी है ना बहुत ज़्यादा फीकी है। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप आधा कप यूज़ करिएगा। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे यहीं पर और सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो सूजी है वो फूलती है और वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे ढक करके 15 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देंगे। और जब तक सूजी हमारी सेट हो रही है, हम एक फटाफट सी चटनी बना लेते हैं। तो ग्राइंडर जार में हमने एक कटोरी मूंगफली ले ली है, जिसे हमने भून के हल्का सा छील लिया है। 4-5 लहसुन ऐड कर देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्च ली है इसे भी ऐड कर देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है इसे भी ऐड कर देंगे, और 1/2 नींबू का रस हमने ले लिया है इसे भी ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और अब थोड़ा सा पानी डाल करके इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है मूंगफली का। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही लूँगी। और अब हम छोटा सा तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन में हमने 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तो सबसे पहले उसमें हम 1/2 छोटा चम्मच राई ऐड कर देंगे, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 4-5 करी पत्ता ऐड कर देंगे। तड़के को हमें बढ़िया से पका लेना है और इसके बाद हम इसे चटनी के ऊपर हम ऐड कर देंगे। तड़के से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है हमारी चटनी का, और चटनी जो है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, हमारी फटाफट से मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। इसका कॉम्बिनेशन इडली, डोसा, मेदू वड़ा, ढोकला सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चटनी रेडी है, तो अब हम ढोकले की तैयारी करेंगे। तो 15-20 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारे यहाँ पर अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ये गाढ़ा है क्योंकि इसने सारा पानी सोख लिया है। तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसे वापस से मिक्स कर देंगे एक बार। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। आप जो भी तेल खाते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। बैटर के साथ हम तेल को भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ऑयल ऐड करने से जो हमारा ढोकला है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार होता है। बिल्कुल ये रूखे रूखे नहीं लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच इनो ले लिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम मिक्स करेंगे और बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है ढोकला का। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टील की थाली ले ली है, जिसे हमने चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ढोकला का जो बैटर है उसका 1/2 बैटर हम थाली में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा ढोकला है वो फूलने के बाद ऊपर आता है, इसलिए इसे 1/2 ही भरना है। चम्मच से हम इसे अच्छे से बराबर करते हुए फैला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे ढोकला हमारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो हरे धनिया की पत्ती वगैरह भी डाल सकते हैं। तो सारी तैयारी हमारी हो गई है। यहाँ हमने साइड में कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जो हमारी ढोकला वाली थाली है उसे हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे ढोकला हमारा जो है अच्छे से पक चुका है, ये ऊपर भी आ गया है फूल करके। तो चाकू से हम चेक करेंगे तो बिल्कुल भी बैटर हमारा चिपक नहीं रहा है, मतलब ढोकला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो थाली को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और जब तक हमारी जो थाली है ढोकले की वो ठंडी हो रही है, तब तक हम एक बढ़िया सा तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तड़का पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और उसमें 1/2 चम्मच राई और 3-4 हरी मिर्च काट करके ले ली है। 8 से 10 करी पत्ता ऐड कर देंगे और तड़के को हमें बढ़िया से पका लेना है।
उसके बाद इस गरम तड़के को हम ढोकले के ऊपर चम्मच की मदद से फैलाते हुए डाल देंगे। इससे ढोकला हमारा जो है वो मॉइस्ट बनता है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें करी पत्ता है, हरी मिर्च है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ढोकले का। तो चाकू से हम साइड से ढोकले को निकाल लेंगे और बीच में इसे कट करते हुए चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप भी सूजी का ये हल्का फुल्का नाश्ता बनाइए, अपने घर में सभी को खिलाइए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाने का मन नहीं करता है, तो आप इस नाश्ते को बनाइए, सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो हमने यहाँ पर ढोकला की प्लेटिंग कर दी है और इसे मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट जालीदार स्पंजी ढोकला बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।